तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई है। जी हाँ, थाना बेवर क्षेत्र में एक मासूम की तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई। 7 वर्षीय मासूम था जो कि अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गया था। पैर उसका फिसल गया और पैर फिसलने से वो तालाब के पानी में चला गया, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल सका, जिसके चलते पानी में उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। घटना थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला टोडरपुर की है। यहाँ के रहने वाले बीरेन सिंह का 10 वर्षीय मासूम पुत्र सुमित गांव के पास ही बने तालाब में अपने साथियों के साथ नहाने गया था। सुमित जैसे ही नहाने के लिए तालाब की ओर गया और तालाब में उसने पैर डाला, वैसे ही उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते सुमित ने अपना संतुलन खो दिया और वह तालाब के पानी में डूब गया। सुमित ने तालाब के पानी में निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह तालाब के पानी से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद तालाब में ही डूबने से सुमित की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी सुमित के परिजनों को हुई, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों की मदद से सुमित के शव को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक सुमित के शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है।